लो ये कह रही है मुझे व्लॉगिंग करनी है। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ डे टू इन शिमला, और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज हम लोग जाएंगे कालका, उसके बाद हमारी वहाँ से ट्रेन है डायरेक्ट दिल्ली के लिए। हम लोगों ने कैब अपनी ऑलरेडी बुक कर ली है और वी आर गुड टू गो। और थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है अभी, थोड़ा थोड़ा। सो अभी यहाँ से जा रहे हैं नीचे, तो नीचे हमारी कैब है। यहाँ से अच्छा यहाँ से इधर जा रहे हैं। सो यहाँ से दो रास्ते आते हैं। अरे नहीं आंटी, शॉल नहीं चाहिए। तो ये यहाँ की ट्रेडिशनल टोपी है जो हिमाचल में यूज़ होती है। आंटी मेरे को ये और डिज़ाइन है इसमें, ये डिज़ाइन है। तो स्नोफॉल तो फिर से तेज हो चुका है और आज क्राउड भी काफ़ी हो गया। 26 जनवरी है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया। और अभी हम लोग यहाँ पर पहले चाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो स्नोफॉल भाई मतलब अनएक्सपेक्टेड है, धीरे धीरे हो रहा है बट अभी ये बढ़ेगा। सो कल ईशा का प्लान था कि ये वाली जो जैकेट है ग्रीन वाली, ये उसको आज पहनी थी कुफरी जाने के लिए, तो इसने कल नहीं पहनी। और कल हम लोगों ने बहुत अच्छी फोटोज़ क्लिक कराई और बहुत एंजॉय किया स्नोफॉल, लेकिन आज हम लोगों का कुफरी ड्रॉप हो गया। कह रही कि मैं जैकेट पहनी है तो कुछ फोटोज़ तो क्लिक करो। अब मैं यहाँ फोटोज़ कहाँ क्लिक करूँ, पीछे देखो, पीछे बस स्टैंड आ रहा है, यहाँ पर कुछ व्यू नहीं है और भाई तो पोपट हो गया। बोलना क्या था अभी, इतना पत्ता कर दिया, बोलना था बैठेंगे कहाँ यार। तो अगर आप यहाँ पर रूम बुक कर रहे हो और किसी एजेंट के थ्रू रूम बुक कर रहे हो, प्लस उसमें आप कैब फैसिलिटी भी अपने साथ लेके चल रहे हो ना, तो भाई मेक श्योर कि एक एक चीज़ ना कंफर्म कर लेना कि रूम का चार्ज कितना है, कैब का चार्ज कितना है, क्योंकि वो एक पैकेज अगर दे रहे हैं। इन केस अगर आपकी कैब कैंसिल हो रही है तो वो कुछ अलग हो जाएगा, मतलब वो रूम का चार्ज वो बढ़ा के बता देंगे, कैब का कम कर देंगे, वो कह देंगे जी हमने इसमें डिस्काउंट दिया था, ये था वो था, तो अभी हमारे से कुछ इस तरीके से स्कैम हो गया है। तो यहाँ पर ये टूरिज्म का ऑफिस है, अगर आप शिमला आ रहे हो तो नियर बस स्टैंड यहाँ पर आके आप अपना कालका शिमला ऑफिस है, यहाँ पे आप आके अपनी कैब बुक कर सकते हो। ये लोग आपको वही प्राइस देंगे जिस पे होती है, क्योंकि एजेंट के थ्रू कराओगे तो अपने बीच में कमीशन बनाता है। तो मैं आपको ये बहुत ही अच्छी एडवाइस करूँगा कि आप यहीं पे आके इन्हीं से बुक कराना। अगर ये 1500 की कैब हो रही है तो एजेंट आपसे 3000-4000 रुपये ले लेगा, आपको पैसा वेस्ट हो जाएगा। और ये यहाँ के हमारे मैनेजर साहब हैं, नरेंद्र प्रधान जी हैं। जरा सर एक बार बताइए जरा क्या क्या होता है यहाँ पे। सर यहाँ तो चलता रहता है, कमीशन वाली तो चलती रहती है, हमारा जो यूनियन का है, हमारा सिस्टम है एक बना हुआ है। 400 गाड़ी रेट है हमारा, कालका का हमारा रेट बहुत कम है, 1800 रुपये रेट है कालका का यहाँ से। तो यहाँ से अगर किसी को मान लीजिए कुफरी जाना है या जी नारकंडा जाना है तो क्या उसको? कुफरी का हमारा आएगा ये 1200 रुपये है और नारकंडा का हमारा 2500 रुपये। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी? छोटी गाड़ी का, और फोर सीटर। और जैसे जी अगर कोई इनोवा वगैरह गाड़ी करते हैं तो? इनोवा गाड़ी का हमारा 3000 रुपये जी, नारकंडा का और कुफरी का 2000 रुपये। अच्छा जी, तो गाइस देखो इन लोगों के रेट बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल हैं, और जो एजेंट आपको कैब करके देगा ना वो भी इन्हीं से करके देता है, वो बीच में अपनी कमीशन बनाता है। मैं इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके डायरेक्ट इनको कॉन्टैक्ट करना, और किसी भी एजेंट के चक्कर में मत आना। सिर्फ अगर कैब बुक करनी है तो, अगर होटल देखना है तो वॉक इन जा सकते हो या ऑनलाइन बुक कर सकते हो। तो ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। चले भैया, दरवाजे सारे बंद कर लो भाई। कर लिए कर लिए। चले जी, गाड़ी चलो चलो। बोलो सच्चे दरबार की जय। अच्छा तुम्हारे पड़ोसी भैया? हाँ, अरे हाँ मेरे भैया, ये मेरे पड़ोसी हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग टवेरा हमको मिल गई है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कालका से। कालका पहुँचने में लगेंगे 3.5-4 घंटे और हम लोगों की 5 बजे की ट्रेन है। राइट नाउ इट्स 12:25 इन द आफ्टरनून और भैया हमारे पड़ोसी निकल गए, कोइंसिडेंस है जी भैया। हाँ जी हाँ जी। तो भैया एक बात बताओ, ये ऊपर नारकंडा की तरफ तो बहुत बर्फ होगी। बंद है जी, रास्ता बंद है। रास्ता बंद है, मैं आपको आगे से दिखाऊंगा, रास्ता बंद है। अच्छा जी, और कुफरी? कुफरी भी बंद है सर, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर गाड़ी जा रही है, उससे आगे नहीं जा रही है। अच्छा अच्छा, तो मतलब उसके बाद फिर जाना है किसी को कुफरी तो? तो फिर आप जाओगे कैसे, ना घोड़े हैं, घोड़े वाले तो फिर ये अभी 1000 रुपए लेते हैं सर एक घोड़े का। ओहो, तो इसका मतलब कस्टमर को पहले ही मना कर देते हैं। काफी स्नो है, काफी स्नो के चक्कर में रास्ते बंद कर दिए। जो बाहर से आता है उसको ठंड ज्यादा लगती है। अब देख लो आप, मैं पूरा पैक हुआ हुआ हूँ। अच्छा जी, जिसमें कि 27 साल हो गए इस रोड पे चलते हुए। अच्छा जी, आप 27 साल से यहीं पे?
94 से गाड़ी चला रहा हूँ जी, देख लो। तो भैया ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, लद्दाख में जाओ गाड़ी लेके तो क्या क्या करना पड़ता है, गैस के स्टोव नीचे, इंजन के नीचे जलाने, डीजल गाड़ी की बात, डीजल गाड़ी में, और रेडिएटर का पानी निकालना पड़ता है, नहीं तो पानी जम जाएगा, रेडिएटर खराब हो जाएगा, गाड़ी का इंजन सीज। और भी भैया कई सारे तरीके बता रहे हैं, कोई मैकेनिकल की दुकान नहीं है वहाँ, हाँ कोई दुकान नहीं है, चाय की दुकान नहीं है। तो इनको 25-26 साल का एक्सपीरियंस है और सारा ये पहाड़ों का एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया इसमें सीखने को मिल रहा है। जब बाइक से जाएंगे तो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना भाई, कैसे कैसे मैनेज करना है। जो आज के लोग जाते हैं थार लेके और भी तरह तरह के डीजल कार लेके जाते हैं, उनको ये बेहतर ही नहीं पता होंगे कैसे। आप जौन सी मर्जी गाड़ी ले जाए सर, थार से लेके जौन सी मर्जी गाड़ी ले जाओ, गाड़ी ब्लॉक होगी ना, आप ट्रक में लोड करके लेके आओगे 50,000 रुपए लेता है जी ट्रक वाला, वो भी शिमला तक के लेगा आपको, टिकाने पे चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं पहुंचाएगा 50,000 रुपए, वो शिमला तक ही लेगा। नवी से नवी गाड़ी का ना सर हाउस पैप फट गया ना तो हाउस पैप नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे वहाँ तो कोई शॉप भी नहीं है, एक्स्ट्रा चीज लेके जाते हैं। अच्छा, जैसे हाउस पैप हो गया, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट का सेट हो गया, हाँ जी, ये एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी में टूल होना चाहिए। कहाँ भाग रही हो, कहाँ भाग रही हो, नहीं नहीं कूदना नहीं है ऊपर से, ऊपर से कूदना नहीं है। अरे कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इस बात पे ऊपर से कूदोगी? अरे नहीं, अरे नहीं, तो भाई अगर पहाड़ों पे आके मैगी नहीं खाई तो फिर क्या खाया? मैगी खाना तो एक रूल बन चुका है कि पहाड़ों पे आ रहे हो मैगी जरूर खाओ, बहुत बढ़िया बनाई है वैसे भाई ने, स्पेशल बटर डलवा के बनवाई है, टेस्टी। ऊपर से व्यू, सारे पैसे व्यू है। सोलन अगर आप चंडीगढ़ से शिमला आ रहे हो तो लगभग आपको 60 किलोमीटर तक का 4-lane हाईवे मिलेगा, उसका सिंगल रूट स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप 4-5 दिन लेके आ रहे हो तो अच्छी अच्छी जगह भी कवर कर सकते हो, नारकंडा है, कुफरी है, मनाली जा सकते हो आप, सोलांग वैली है, सही मैगी कई सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने आपको इनका लोकल यूनियन का जो कुफरी शिमला वालों का जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके उनसे अपनी कैब बुक करा सकते हो, तो वो लोग भी आपको एडवाइस करेंगे कि 4-5 दिन के ये ट्रिप बन सकते हैं, 1 हफ्ते का ये बन सकता है या 2 दिन का ये बन सकता है। उनको कॉल करना, डायरेक्ट उन्हीं से ही बात करना, कोई एजेंट मत पकड़ना। तो अभी हम लोग शिमला से कोई 40 किलोमीटर आ चुके हैं, हम लोग कालका की तरफ जा रहे हैं, कालका 70-80 किलोमीटर है, और कालका स्टेशन पहुंचने के बाद वहां से हम लोगों की ट्रेन है। तो कालका से ना अगर आप लोग बाय ट्रेन आना चाहो शिमला तो कालका तक आओ, उसके बाद वहां से कैब्स वगैरह जाती हैं, तो 80 किलोमीटर आपको शिमला पड़ेगा, लगभग 3-4 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग पहले ही निकल गए थे तो थोड़ा सा अभी टाइम से पहले ही चल रहे हैं हम लोग, 5:30 बजे की ट्रेन है, अभी 2 बज रहे हैं तो बहुत आराम से पहुँच जाएंगे और 2 घंटे में, तो टाइम हमारे पास काफ़ी है अभी, और घर भी अब जल्दी पहुँचना है, और 11 बजे तक उम्मीद है पहुँच जाएँ, क्योंकि 9:45 का पहुँचने का टाइम शताब्दी का दिल्ली का है, और मुझे वहाँ से घर पहुँचने में लगेंगे आधा 1 घंटा लगेगा, तो 10:30-11 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। सो अभी बज रहे हैं 4:20 और हम लोग अपने टाइम से 1.5 घंटा पहले आ गए शताब्दी, इससे हम लोग जाएंगे, और इसका यहाँ से चलने का टाइम है 5:45, तो हम लोग रुकते रुकाते आए, उसके बाद भी हम लोग 1 घंटा पहले पहुँच गए, हमको लगा था कि 4-4.5 घंटे लगेंगे बट 3 घंटे में हम लोग आ गए। और ये है सामने टॉय ट्रेन, ये जो आप देख रहे हो ये इसकी अलग से लाइन है, तो ये जो टॉय ट्रेन है ये कालका से शिमला तक जाती है क्योंकि ये छोटी लाइन है, और शताब्दी जो है कालका तक आती है, तो अगर आपको यहाँ से ट्रेन से ही कंटिन्यू करना है तो आपको इससे जाना पड़ता है। तो ये टॉय ट्रेन का इंजन है, ये स्टार्ट हो गया, और ये टॉय ट्रेन है छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी है, एक बार इसका अंदर से आपको कैबिन दिखाता हूँ। तो ऐसे छोटा सा इसमें कैबिन दिया होता है, और इसमें टॉयलेट साथ में होता है, अटैच्ड है, और ये आप देख सकते हो छोटी सी है, बड़ी पैपी सी है।
घंटे की रफ्तार से हम लोग दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि तीनों दोस्त एक साथ आए और हमने अपने ऑफिशियल लाइफ को छोड़ के आज दोस्तों साथ जाके एंजॉय किया, देश में एक साथ रहे, रात को खाए पिए बैठे बातें करें, आपस की बातें निकली मैं। ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ है फ्रेंड सर्कल से बनाने की, बहुत ज़रूरी है जब आप कहीं जॉब कर रहे हो कुछ करते हो, ताकि आपका जो फ्रस्ट्रेशन होता है सारा बाहर आ जाए। हालांकि फैमिली से जाते हैं वो अलग इन्जॉयमेंट है, दोस्तों के साथ जाने का जो मज़ा है ना वो बहुत अलग है। इस पूरे ट्रिप में मैंने बहुत इन्जॉय किया और जितना मैंने अभी तक काम किया जो माइंड में एकदम ब्लॉकेज थी ना सारी खत्म हो गई, एकदम फ्रेश माइंड से जाए। हाय हेलो एवरीवन, देखो भैया लगा तो बहुत अच्छा, पहले दिल्ली से आए शिमला से गए, फिर कहाँ गए, बजरंगबली के पास गए, जाखू मंदिर। ना घर वालियों ने ना बिल्कुल दंगे मचा दिए कि चलो वापस, नहीं करना मुझे शिमला ट्रिप। भगवान ने पलटा करवट यू, अचानक से आई बादल, फिर हुआ स्नोफॉल, और ऐसा स्नोफॉल की सीजन में भी नहीं होता। वो मेरी जान। मिलेंगे फिर से 30 सेकंड के ब्रेक के बाद। अभी हम लोगों की पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है शताब्दी में। आई गाइस, हम लोगों ने पहले ही ऑर्डर कर दिया था PNR नंबर डाल के, और पानीपत में हम लोगों को सर्व हो गया। क्या बात है, सो वी आर एंजॉयिंग आवर पिज़्ज़ा। अभी हम लोग पानीपत पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 8:30, 9:30 बजे तक घर पहुँच दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर घर। तो अब डिनर नहीं करेंगे, यही अपना डिनर है, आप देख सकते हो पिज़्ज़ा पार्टी विद कोक। जी मज़ा आ गया भाई। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंस दिस थिंग। आपको डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगाना है, PNR सर्विसेज, मज़ा आ जाएगा। PNR अपना डाल देना, PNR नंबर डाल देना, डोमिनोज सिलेक्ट करना, 2 घंटे पहले ऑर्डर करना। तो जो भी 2 घंटे बाद आपका जो स्टेशन आने वाला होगा वहाँ पर आपको मिल जाए। तो शताब्दी अपने बिल्कुल राइट टाइम पे आई है, 9:30-9:35 का टाइम था, बिल्कुल ऑन टाइम आई है, तो खाली इसलिए और पूरी खाली है। इस समय स्टेशन भी पूरे खाली है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं अभी, नहीं तो 26 के आसपास तो बहुत भीड़ रहती थी। वैष्णो देवी की ट्रेन बिल्कुल फुल होती थी। ये देखो हमारी गैंग। ए कहाँ से आ रही हो तुम? हैं बर्फ देख के आ रहे हैं, बर्फ थोड़ी सी लाइयो बैग में रख के। हाँ। तो घर पे जमा देना उसको, पिघल ना जाए। और हमें भी बहुत मजा आया, आई होप आप लोगों को भी हमारे साथ बहुत मजा आया होगा। इस ब्लॉग को क्लोज करते हैं।